So welcome to all of you, Hare Krishna to all of you. So let's start our journey. जैसे हमने कल देखा था ये रिवर्ट रिवर्ट और एरोप्लेन का एग्जाम्पल देखा था, राइट? तो उस एग्जाम्पल को हम कंप्लीट किए थे. अभी हम आगे की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट चीज़ को हम डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट? सो दैट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी एंड करंट सिनेरियो. तो अब अभी के हालात क्या है और किस तरीके से इस हालात में आज की बायोडाइवर्सिटी की स्थिति क्या है, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे. हाउ मेनी स्पीसीज डू रियली एग्जिस्ट ऑन अर्थ? तो फिलहाल के लिए कितने स्पीसीज अभी अर्थ के ऊपर रह रहे हैं? एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर फाउंड इन इंडिया? उसमें से कितने भारत के अंदर मिलते हैं? इज इट डिफिकल्ट टू कम कॉन्सिक्वेंसेस अबाउट एग्जैक्ट? क्या ये मतलब डिफिकल्ट होगा हमें कि ये इनका एग्जैक्ट नंबर काउंट करने के लिए? देखते हैं. नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ टुडे, चलिए, द ओवर 1.5 मिलियन स्पीसीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एज पर IUCN डाटा 2004. तो इस डाटा के अनुसार अभी तक 1.5 मिलियन स्पीसीज धरती के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा बोलते हैं. ठीक, ये करंट डाटा है, तो ये हालांकि एनसीईआरटी के डाटा के साथ मैच नहीं करता है, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बताया, पता होना चाहिए. ठीक है, सो फार वी आर इट टू स्टडी द लॉट मोर देन दिस. तो बोला जाता है कि ये अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना तो डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि भैया इससे भी ज्यादा हो सकते हैं. अभी तक हमें जो पता नहीं है, हो सकता है उसमें से बहुत सारे एक्सटेंड भी हो सकते हैं, मतलब ढूंढने से पहले खत्म भी हो सकते हैं. वी आर ऑल्सो अनअवेयर अबाउट द स्पीशिएशन प्रोसेस दैट माइट हैव कंटिन्यूड. हमें ये भी पता नहीं हो सकता है धरती के ऊपर कोई नया स्पीसीज की उत्पत्ति हो रही होगी, वो भी हमें पता नहीं चल रहा है. मोस्ट ऑफ द स्टडीज दैट हैव बीन कैरिड आउट आर इन द टेम्परेट रीजन. तो हाल ज्यादातर टेम्परेट रीजन के अंदर स्टडी की जाती है, क्योंकि वहाँ स्पीसीज बहुत कम है, तो काउंट करने के लिए, स्टडी करने के लिए फायदा होता है, ऐसा बोल रहे हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द मेजर डायवर्सिटी हब, जानते हैं हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डायवर्सिटी मिलती है, आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड कम्प्लीटली. बोला जाता है कि मतलब टेम्परेट एरिया के अंदर, टेम्परेट एरिया मतलब जहाँ पे बर्फ गिरती है, वहाँ पे स्पीसीज का नंबर बहुत कम रहता है, काउंट करना, स्टडी करना आसान जाता है. ट्रॉपिकल में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हब है. हब मतलब जान सकते हो, ये वर्ड तो पता है आपको, आप भली बातें जानते हो, वहाँ पे कमी नहीं है स्पीसीज की, ऐसा बोल सकते हैं. सम एग्जॉर्बिटेंट नंबर्स लाइक एग्जिस्टेंस 20 to 50 मिलियन वराइटीज हैव बीन मेड. माई गॉड, इतने वराइटीज है, ऐसा बोल रहे, ठीक है. बट रॉबर्ट मे साइंटिस्ट का नाम जानते हैं, इंसर्टिंग अंदर दिया है, हैज गिवन द कन्विंसिंग एस्टिमेटेड अबाउट द 7 मिलियन स्पीसीज अराउंड द ग्लोब. ये रॉबर्ट मे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि कुछ डाटा क्रिएट किया होगा, कुछ स्टडी किया होगा, कुछ उनका मतलब कुछ डाटा कलेक्शन होगा, उस डाटा के बेसिस के ऊपर क्या बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे धरती के ऊपर लगभग 7 मिलियन स्पीसीज हो सकते हैं. एस्टिमेशन है, फिक्स नहीं है, याद रखना, नीट के लिए काम में है, इधर भी काम में आएगा. ऑब्जर्व द गिवन पाई चार्ट एंड फाइंड आउट द रिलेटिव शेयर ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल ग्रुप इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ डायवर्सिटी. बोल रही, देखो और देख के थोड़ा अंदाजा लगा, ऐसा बोल रहे हैं. देखते हैं, यहाँ पे ये दिया है नॉन ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया है, तो बताया जा रहा है, देखो कि कितने नंबर ऑफ एनिमल्स, देखो ये थोड़ा मतलब ऐसे चार्ट दिया है, एनिमल का नंबर कितना है, देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ एनिमल. तो एनिमल बहुत ज़्यादा है, स्पीसीज के बारे में बता रहे हैं, वराइटी ऑफ स्पीसीज. देखिए, नंबर इन द सेंस स्पीसीज, नंबर नहीं, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है प्लांट का नंबर ज़्यादा हो एनिमल से, स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो इतने सारी स्पीसीज, वराइटी ऑफ स्पीसीज, प्लांट का वराइटी इतना है, फंगस का इतना है, लगता है फंगस ज़्यादा होगा लेकिन नहीं है, उससे भी कम प्रोटिस्ट का है और उससे भी कम यू बैक्टीरिया का. माय लॉर्ड, देखिए, लेकिन कहा जाता है कि खाली 95% बैक्टीरिया अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, उससे ज़्यादा बैक्टीरिया. तो ये सही डाटा नहीं है, लेकिन ये करंट डाटा, ऐसा बोल सकते हैं. तो रफली धरती के ऊपर इतने स्पीसीज है, पता होना चाहिए. ओके, वो क्या पता ये मतलब बोर्ड के अंदर चार्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए, बहुत रेयर है, लेकिन याद रखो फिर भी नहीं आता उतना. ओके, ये आपका जनरल था ऑर्गेनिज्म मतलब के बारे में. तो सबसे ज़्यादा प्लांट है, सबसे ज़्यादा एनिमल है, उसके बाद प्लांट, उसके बाद फंगस, फिर प्रोटिस्ट, लास्ट में यू बैक्टीरिया. तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, सर बैक्टीरिया का तो इतना सारा वैरायटी है. बेटा सही है, बहुत वैरायटी है, लेकिन खाली 95% में से खाली 5% बैक्टीरिया का डिस्कवर हो चुका है. मैं उल्टा बोल दिया, वैसे जहाँ पे 5% बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके हैं, 95% बैक्टीरिया डिस्कवर होना बाकी है. तो अकॉर्डिंग टू डाटा चलना पड़ेगा हमें, है ना, ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते. तो उसके अनुसार यू बैक्टीरिया बहुत कम है धरती के ऊपर. ओके, प्रोटिस्ट उससे ज़्यादा है, उसके बाद फंगाई उससे ज़्यादा है, प्लांट फिर ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा क्या है, एनिमल है. स्पीसीज नंबर नहीं काउंट कर रहे, नंबर काउंट बहुत करना. नॉन स्पीसीज ऑफ द एनिमल, तो एनिमल के बीच में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. तो सबसे ज़्यादा देखा जाए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है,
इनसेट का नंबर सबसे ज्यादा पाया जाता पता होना चाहिए, मोस्ट मोस्ट सबसे ज्यादा कहीं इनसेट है पता होना चाहिए। उसके बाद आर्किनिड्स, देन उसके बाद निमेटोड्स, सिक्वेंसली जाएंगे तो नहीं निमेटोड नहीं, उसके बाद ये आता है, सॉरी नहीं 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 उसके बाद आते हैं आपके मोलुस्क जाते हैं, मोलुस्कस का बहुत नंबर है, मोलुस्कस, देन उसके बाद शायद से आपके ये आ जाएंगे आर्कैनिड्स आएंगे, आर्कैनिड्स, उसके बाद यहाँ पे आएंगे आपके क्रस्टेंस का नंबर बहुत ज़्यादा है, क्रस्टेंस, और अभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जितना करेंगे उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन दिस वॉज द थिंग वन शुड नो। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, तो रफली इतने अराउंड स्पीसीज बोले जाते हैं, मतलब लगभग दैट इज अ नंबर, है ना, बड़ा नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इतना बड़ा नंबर, दशक शतक हजार, 10,000, लक्ष 10 लक्ष, बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया, इतना सारा है, 13 लाख के आसपास, ओके लगभग 13 लाख के आसपास जा रहा है, ठीक है। सो वर्टिब्रेट कितना है, 58,000, अभी ऊपर का नंबर याद रखो, और यहाँ पे भी लगभग 12 लाख के आसपास है स्पीसीज, ओके दिस इज द थिंग वन शुड नो। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज कितने हैं, तो प्लांट के स्पीसीज कितने माने जाते हैं, 287,655 स्पीसीज है। नंबर याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, बोर्ड में कभी कभार काम में आता है, बोर्ड के लिए नंबर्स याद रखना अच्छा है, क्योंकि लिखते समय डाटा होना, देखो बोर्ड में है ना, बोर्ड में डाटा चाहिए, तो बोर्ड में कंसेप्ट नहीं चलता है, जितना डाटा याद रखे उतना अच्छा है, बोर्ड मेमोरी वाले लोगों का काम है, मतलब मेमोरी जिसका अच्छा है बोर्ड उसका बहुत अच्छा चला जाएगा, मतलब डाटा जितना, डाटा कलेक्शन जिसके पास जितना है उतना बोर्ड उसका अच्छा जाएगा, ये गारंटी है, यहाँ कंसेप्ट नहीं चलता, कंसेप्ट आपके नीट में चलता है, लेकिन यहाँ पे डाटा कलेक्शन, डाटा बहुत मैटर करता है। चलिए देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन आते हैं, सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, फ्लावर जिसको आते हैं, उसके बाद आपके मोनोकॉट्स, फ्लावरिंग में, अच्छा फ्लावरिंग में ज़्यादा, अच्छा फ्लावरिंग के सबसे, फ्लावरिंग में बी डाइकॉट प्लांट बहुत ज़्यादा, उसके बाद मोनोकॉट बहुत कम है, उसके बाद आते हैं आपके फर्न एंड मॉसेस, लगभग सेम ही दिख रहे हैं, थोड़ा फर्न ज़्यादा है, उसके बाद कोनीफर सबसे क्या दिख रहे हैं, कम दिख रहे, लेट टू बी, इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते, क्या बोल रहे देखते हैं। इन द डायग्राम वी डू नॉट फाइंड एनी डाटा ऑफ प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ बताया नहीं, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, यू बैक्टीरिया के बारे में बोल रहा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में, अच्छा खाली बैक्टीरिया के बारे में बोल रहा है, तो प्रोकैरियोटिक में साइनोबैक्टीरिया है, हाँ बहुत सारा चीज़ है ना, ओके। सो इन डायग्राम वी डू नॉट फाइंड एनी डाटा ऑफ प्रोकैरियोटिक, सेवरल मोनेरा स्पीसीज आर नॉट कल्टिवेबल अंडर लैबोरेटरी कंडीशन, देखो सही बोल रहे हैं, तो देखो तो पूरा का पूरा डाटा नहीं दिया, दिया बोल रहे हैं, बहुत कम दिया ना, यू बैक्टीरिया मतलब बहुत कम दिया, बहुत दिया, इतना दिया ऐसा बोल रहे हैं, वेरी स्मॉल, तो ये यू बैक्टीरिया इज व्हाट पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक, ओनली प्रोकैरियोटिक का पार्ट है, लेकिन बोल रहे हैं उतना डाटा प्रोकैरियोटिक का नाम नहीं दिया, खाली यू बैक्टीरिया के बारे में बोला, लेकिन क्या बोल रहा है देखो, नॉट एनी डाटा, मतलब डाटा डाटा दिया ही नहीं ऐसा बोल रहे हैं, सेवरल मोनेरा मोनेरियन स्पीसीज आर नॉट कल्टिवेबल अंडर लैबोरेटरी कंडीशन, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया उसको हम लैब के अंदर कल्टिवेट कर ही नहीं सकते, कैसे देखेंगे वो तो मुश्किल है, अल्सो कैसे देखो, आर्की बैक्टीरिया है भैया, आर्की बैक्टीरिया को कैसे कल्टिवेट करेंगे, डिफिकल्ट है ना, अगर 100 डिग्री सेल्सियस को अगर कोई बैक्टीरिया सस्टेन करता है, जिंदा रहता है, तो भैया उसको अगर मिनिमम 95 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी उबालते हुए रखना पड़ेगा, अब कैसे रखेंगे उसको, कितना मुश्किल है, तो ऐसा बोल रहे कि मुश्किल है लैबोरेटरी कंडीशन पर बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रो करना। Also, conventional taxonomic methods are not suitable for identification of prokaryotic species. Yeah, prokaryotic species को पुराने वाले taxonomic methods से हम उसको identify करना मुश्किल है, क्योंकि हर बार prokaryotic के अंदर बहुत variety मिलता है, इतना variety मिलता है आप जानते हो, किसी के पास flagella है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास कुछ है तो कुछ है, फिर भी bacterial taxonomy है, exist करती है, nomenclature उसका भी है, लेकिन it's very difficult. पुराने वाले cells से नहीं होता ऐसा बोल रहे हैं। India boasts a handsome शेयर ऑफ 1.8% ऑफ टोटल बायोडिवर्सिटी ऑफ वेल्थ ऑफ अर्थ, धरती की जितनी बायोडिवर्सिटी है उसमें से 8.1% बायोडिवर्सिटी कौन का कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है ऐसा बोलता है, वन ऑफ द 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द ग्लोब, है ना, 12 मतलब जो 12 मेगा डायवर्सिटीज कंट्रीज में से इंडिया में उसका, इंडिया का नाम आता बोल रहे, इंडिया हैज 2.4% ऑफ टोटल लैंड ऑफ वर्ल्ड, देखो लैंड इतनी कम है लेकिन फिर भी बायोडिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हमारे पास है, लैंड के कंपैरिजन में काफ़ी बायोडिवर्सिटी हमारे पास है, इतने कम लैंड होते हुए तो 2.4% ही होना चाहिए, लेकिन 8.1% दिखा रहा है, मतलब दैट इज मच मोर बिगर, इन साइड का डाटा है। वी हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 45,000 प्लांट स्पीसीज एंड नियरली डबल द नंबर ऑफ एनिमल वराइटीज फॉर आवर नेचुरल वेल्थ, बाप रे बहुत ज़्यादा है, इफ यू कंसिडर मेज एस्टिमेशन ऑफ द ग्लोबल बायोडिवर्सिटी
वी हैव रिकॉर्डेड ओनली 22% ऑफ नेचुरल वेल्थ. बोल रहे कि अगर अगर 7 मिलियन अगर स्पीसीज है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो अब तक इंसान ने सिर्फ 22% ही स्पीसीज का डिस्कवरी किया. येट मेनी स्पीसीज आर येट अभी तक अननोन है. अननोन मतलब लोगों को पता नहीं चला है, लेकिन पता नहीं चला. दिस सिचुएशन अंडरलाइन द नीड ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट टू स्टडी द बायोडायवर्सिटी. में बोलता था कि टैक्सोनॉमिस्ट की कमी है इंडिया के अंदर, है ना, इंडिया के अंदर क्या भारत के अंदर भी कमी है, मतलब वर्ल्ड के अंदर भी कमी है ऐसा बोल सकते हैं. बट द मेजर कंसर्न इज दैट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ देयर वराइटीज बिफोर वी आइडेंटिफाई देम बिकम एक्टिव लाइक अ रिक्लेम एंड डीफॉरेस्ट. बोलिए ढूंढने आप अगर स्टार्ट भी करोगे तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि क्या होगा, ढूंढने से पहले बहुत सारा चीज हो सकता है खत्म हो सकता. बोल रहे डू यू नो रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ नेचुरलिस्ट फूड अ लिजर्ड फ्रॉम द अंबोली घाट ऑफ महाराष्ट्र वॉज मिस आइडेंटिफाइड. बोल रही कि उनको एक नया लिजर्ड मिल रहा था लेकिन उसको कुछ अलग ही नाम दिया ऐसा बोल रहे. दे प्रूव्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए प्रूफिंग एज वेल एज द नंबर ऑफ द ग्लैंड्स एंड स्केल प्रेजेंट ऑन द लेग्स ऑफ द लिजर्ड अर्लियर थॉट टू बी है ना हेमिडेक्टिलियस ब्रोकी. द लिजर्ड इज नाउ रीनेम्ड एज द हेमिडेक्टिलियस वरदगिरी ओके इन द ऑनर ऑफ रिनोल्ड हर्पेटोलॉजिस्ट एंड क्या बोलते हैं कंजर्वेटनिस्ट डॉक्टर वरदगिरी. अच्छा नाम ही वरदगिरी है उसका. अच्छा दे ऑल्सो प्रूव दैट ब्रोकी वराइटी इज नॉट फाउंड इन इंडिया. माई गॉड देखो तो पहले बोल रहे देखो टैक्सोनॉमिस्ट देखो क्या बोल रहे हैं. जो टैक्सोनॉमिस्ट है तो कई अच्छा टैक्सोनॉमिस्ट नहीं होता ऐसी गड़बड़ हो जाती है तो वो उसको उस स्पीसीज को कुछ और नाम दे देते हैं ना हेमिडेक्टिलिस ब्रोकी नाम दे देते हैं लेकिन उसको बाद में नाम चेंज किया. अभी रिसेंट है मेरे को पढ़ने के लिए दिक्कत हो गया वरदगिरी मतलब ये वरदगिरी क्या वरदगिरी उसी का नाम है हेमिडेक्टिलिस वरदगिरी लिजर्ड का नाम दिया वरदगिरी. ओके डॉक्टर थे उसका नाम वरदगिरी. ओके हर्पेटोलॉजिस्ट नहीं हर्पेटोलॉजिस्ट थे. एंड दे आल्सो प्रूव द ब्रोकी वैरायटी. तो ये वैरायटी जो बोल रहे थे कि ब्रोकी वैरायटी लेकिन वो इंडिया के अंदर मिलती नहीं है ऐसा प्रूव हो गया ऐसे बोले. तो इसलिए देखो टैक्सोनॉमिस्ट की बहुत जरूरी है ऐसा बोलते हैं. इंटरनेट माई फ्रेंड उसे कर लेना आप लोग बाद में पढ़ के कि क्वेश्चन उससे आते नहीं है. लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओके सो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी लीड्स टू ओवरऑल इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम. आप जानते यार कुछ खत्म हुआ तो एग्जाम ये रिवर टेन प्रॉपर का एग्जाम्पल दिया था कुछ गड़बड़ किया तो गड़बड़ होने वाला है ना. अगर जैसे स्पीसीज को कम करोगे तो क्या होगा हार्म तो होने वाला है. तो चीफ सीरियस एस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इज एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज. तो मेन स्पीसीज अगर खत्म हो गए तो क्या हो सकता है ये प्रॉब्लम हो सकता है. दे आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन वाया नेचुरल एक्सटिंक्शन. तो तीन प्रकार के लगभग क्या है एक्सटिंक्शन होते हैं जो कि नेचर की वजह से होता है. दूसरा मास एक्सटिंक्शन अचानक से बहुत सारे स्पीसीज मर जाते हैं. एंड एक मैन मेड जो कि उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन बोलते हैं जो इंसानों के द्वारा किया जाता है. यहाँ अच्छे से दिया एक्सप्लेन किया बाकी जगह पे इतना एक्सप्लेन किया नहीं रहता लेकिन यहाँ पे बताया उन्होंने. जस्ट वन मिनट चल भाई तू चल. ओके डैमेज टू बायोडायवर्सिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू द बोथ नेचुरल एंड मैन मेड रीजन. पता है हमें कभी कभार नेचर के द्वारा भी होता है. नेचर के द्वारा कैसे होता देखते हैं आपको पता होगा कि कई बार क्या होता है फॉरेस्ट फायर लगती है भूकंप आ जाता है ना ज्वालामुखी फटता है वोल्केनिक इरप्शन. मैनमेड रीजन क्या हो सकते हैं डिस्ट्रक्शन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब क्या जहाँ प्राणी रहते हैं उनका घर ही मिटा दो ऐसा बोल सकते हैं. हंटिंग सेटलमेंट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एंड मतलब ज़्यादा ही लकड़ी काटना जंगल की ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिक्लेमेशन ये सब चीज़ें हो सकती है बता रहा. मेजर एक्सटेंशन इवेंट ऑकर्ड बिटवीन द क्रिटिशियस एंड सीनोजाइक पीरियड. अच्छा ऐसा बोल रहे हैं एक्सटेंशन कैसे हो गया तो ये क्रिटिशियस एंड सीनोजाइक पीरियड में एवोल्यूशन की बात कर रहा है जो स्पीसीज जो थे किसे किस तरीके से किस एरिया में क्या हो एरिया में क्या हो गया ज़्यादा मतलब थे लेकिन उनका एक्सटेंशन हो गया बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज नॉट बिकॉज ऑफ मैनमेड कैलेमिटी. बिटवीन द टेरेसिक एंड जुरासिक पीरियड जिसमें डायनासोर का एक्सटेंशन हो गया था. परमियन एंड टेरेसिक पीरियड इससे में भी बहुत सारे डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड. तो ये इराज थे जहाँ पे क्या हो गया बहुत सारे स्पीसीज क्या हो गए एक्सटिंक्ट हो गया ऐसा बोल रहे हैं. बिटवीन वर्डिसियन एंड सिलूरियन पीरियड इन द जोग्राफिकल टाइम स्केल वेयर द प्लांट एज वेल एज द एनिमल ग्रुप अंडरवेंट मास एक्सटेंशन. तो उस समय में ये जो इराज थे इन दिस ये जो सॉरी पीरियड्स थे मतलब जो ये धरती का जो ये टाइम था उस टाइम स्केल में क्या हो गया
कि धरती की उत्पत्ति से हम इस टाइम स्केल को इस तरीके से काउंट मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उस समय बहुत सारी एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज मास एक्सटिंक्शन हो गया, जैसे कि डायनासोर एक साथ मर गए ऐसा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। वी अवेयर अवेयर ऑफ फाइव मास एक्सटिंक्शन ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। हमने बोला एक तो दैट इज एग्जाम्पल आइस एज, आइस एज, आइस एज में भी बहुत सारा मास एक्सटेंशन होता है ऐसा बोलते हैं, बर्फ जमा होने के बाद। ओके, द करंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड टू बी द सिक्स्थ एक्सटेंशन। अभी जो चल रहा है वो छठा एक्सटेंशन चल रहा है जो कि इंसान के द्वारा हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं। इज अ प्रोग्रेसिंग एट एन अलार्मिंग रेट विच एस्टिमेट टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्रीमेंटर। बाबरे बोला प्रीमेंटर, बोले इंसान के पहले जो एक्सटेंशन होता था वो कम होता था, लेकिन इंसान आने के बाद एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है बोल रहा है, 100 से 1000 टाइम्स स्पीड से हो रहा है ऐसा बोलते हैं। इकोलॉजिस्ट ब्लेम दिस टू द ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचुरल हैबिटेट। तो ये तो सारा दुनिया जानता है क्यों हम हो रहा है, तो बाकी इंसान क्या कर रहा है नेचुरल हैबिटेट में गड़बड़ कर रहा है, जाके मतलब आप खुद जाके वहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज द रीजन। दे डू नॉट फॉरगॉट टू वॉन्ट दैट द करंट ट्रेंड कंटिन्यू, वी माइट लॉस अबाउट 50% ऑफ डाइवर्सिटी। बोले इतना डाइवर्सिटी हम देखो क्या क्या बोल रहे हैं, देखो कितना डेंजर डेंजर सेंटेंस है, इसलिए कभी नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एरिया कैन लीड टू डिक्लाइन द प्लांट प्रोडक्शन। तो इससे करने से क्या हो सकता है, प्लांट का प्रोडक्शन कम हो सकता है अगर ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो। लोअर रिलेशन टू एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस लाइक फूड, इट मे ऑल्सो लीड टू अल्टरेशन इन एनवायरमेंट एंड प्रोसेस लाइक डिसीज साइकिल एंड प्लांट प्रोडक्ट। बोले कभी कभार क्या होता है ना, अब बार बार ऐसा अगर ऐसा सॉरी अगर कई कई बार फ्लड वगैरह आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा बार बार हम ऐसे नेचर में नेचर को जाके डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो सकता है, बहुत सारे साइकिल्स क्या हो सकते हैं मतलब डिस्टर्ब हो सकते हैं, प्लांट का प्रोडक्टिविटी क्या हो सकता है कम हो सकता है ऐसा बोल रहा है भाई। कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस तो लगभग कौन कौन से कॉलेज कॉलेज दिखता है, द यूएल क्वार्टेट हम जानते हैं, एनसीईआरटी का लाइन है ये, सीधा एनसीईआरटी का वर्ड है। ओके, या फिर ये बोल सकते हैं इकोलॉजी में यूज किया जाता है इविल क्वार्टेट। तो क्या क्या है देखते हैं, पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो क्यों इकोसिस्टम या फिर क्यों स्पीसीज स्पीसीज कम क्यों होते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इकोसिस्टम डिस्टर्ब क्यों होते हैं, तो उसके लगभग चार रीजन दिए हैं। सो कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस की जो इतना सारा वैरायटी है लॉस मतलब उसका खात्मा हो रहा है उसके चार रीजन से, यानी उसको द इविल क्वार्टेट बोलते हैं, इविल मतलब शैतान ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। ये सर ये पहला चीज है, इट इज द प्राइम कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, सबसे मेन कॉज है ये डिस्ट्रक्शन का हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या है देखते, रिडक्शन इन वास्ट नेचुरल हैबिटेट एंड लोकल डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूशन। तो बोल रहे कि यार देखो मतलब वास्ट नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि देखो बहुत सारे हैबिटेट मतलब समझते हो घर, जंगल, जंगल वाले जंगल एक घर है पशु पक्षियों का, या फिर कोई पॉन्ड भी घर हो सकता है मछली का या फिर एक्वेटिक एनिमल का ऐसे बोल सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है मतलब लोकल डिग्रेडेशन बाय पोल्यूशन। तो पोल्यूशन की वजह से भी बहुत बार पॉन्ड वगैरह है, पॉन्ड एक नेचुरल इकोसिस्टम है उसके अंदर भी अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं, तो ये क्या हो सकता है भैया, या फिर पॉन्ड के अंदर बहुत सारे एम्फीबियंस रह सकते हैं जैसे फ्रॉग रह सकता है। समटाइम्स फ्रॉग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या फिर फ्रॉग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, स्प्रेडिंग ऑफ वॉट सीड्स के लिए भी मतलब स्मॉल स्मॉल अगर कोई सीड्स है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर, अगर वो खत्म हो जाएगा तो क्या हो सकता है उधर प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोल क्या रहा है देखते, सो हैबिटेट लॉस मतलब अगर रहने का घर ही क्या कर दिया उन्होंने खत्म कर दिया तो कहाँ जाएगा स्पीसीज, ये सबसे मेन कॉज है। हम जाके जंगल में स्पीसीज को नहीं मारते, मिला फ्रॉग फ्लॉक को गोली मारा ऐसे नहीं करते, फ्रॉग का रहने का घर खराब कर देते तो क्या फ्रॉग थोड़ी रहने वाला है ऐसा बोल रहे हैं। मेन यही कॉज है ना, क्रिएट द क्राइसिस सिचुएशन फॉर लिविंग बीइंग, लॉस ऑफ लोकल हैबिटेट, रहने की जगह खत्म होगी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, क्रिएट द थ्रेट माइग्रेटरी बर्ड। अब रहने के लिए जगह ना तो क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, उड़ के दूसरी जगह जाएंगे बर्ड ऐसे बोल रहे हैं। एज वेल एज दोज एनिमल दैट नीड लार्जर टेरिटरी, अब कई बार क्या होता है ना कुछ कुछ एनिमल्स को लंबा चौड़ा एरिया चाहिए, उनको नैरो एरिया में रहना पसंद नहीं है, जैसे शेर है, शेर थोड़ी पसंद करेगा, जैसे डियर है, डियर को बहुत लंबा एरिया चाहिए, डियर डियर कभी एक जगह पर नहीं रहता, डियर मे बी 10-10 किलोमीटर है ना 20-20 किलोमीटर ट्रैवलिंग करते रहते हैं, मतलब उतना तो मिनिमम एरिया चाहिए अगर जंगल का इलाका चाहिए, अगर इतना बड़ा टेरिटरी खत्म करे तो क्या होगा, वो कैसे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, मतलब उसका नेचर है बिहेवियर है उसका घूमने का, तो डेफिनेटली जैसे इंसान का बिहेवियर है पिंजरे के अंदर हम नहीं रह सकते। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर बींग लॉस्ट एट एन अलार्मिंग रेट, तो बोल रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं बहुत स्पीड से क्या हो रहे खत्म हो रहे ऐसा बोल रहा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर हैज रिड्यूस फ्रॉम 14 to 6, बाप रे इतना खत्म हो रहा है 14 to 6% ओवर ईयर,
जल्दी खत्म हो रहा है, ठीक देखते क्या बोलता है। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड अलाइज मालढोक, जो मालढोक तो पता है आपको, पंछी का नाम है, इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब खत्म ही हो जाएगा ऐसे बोल रहे हैं। इट इज कंसिडर फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ अ ग्रास लैंड। वी लॉस्ट मालढोक फ्रॉम महाराष्ट्र इन 2018। देखो खत्म हो गया बोल रहे हैं, मालढोक नाम का बर्ड ही खत्म हो गया ऐसे बोल रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र से। नाउ दिस बर्ड इज फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, अभी सिर्फ गुजरात और राजस्थान में मिलता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल एक्सटेंशन ड्यू टू द हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग। देखो ये लोकल एक्सटेंशन, ये भी एक मतलब ये है, लोकल एक्सटेंशन मतलब महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। मालढोक नाम ही मालढोक है, महाराष्ट्रीय नाम लगता है, लेकिन खत्म हो गया, क्या कर सकते हैं। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए कौन कौन से कैसे कैसे लोग मतलब लॉस हो गए। सबसे पहले देखते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा रीजन है देखते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसके की वजह से कुछ कुछ स्पीसीज क्या होते हैं लॉस होते हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल इज दैट ह्यूमन हैव टेंडेंसी टू अकुमुलेट बियॉन्ड हिज देयर नीड्स एंड दिस इज रियल टू बोल रहा है क्या। देखो इंसान और प्राणियों में फर्क क्या है, इंसान और प्राणियों में फर्क ये है बोल रहा है कि इंसान हद से ज्यादा क्या करता है एकोमिनेशन करता है ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, और प्राणी क्या करते जितना चाहिए उतना ही यूज करते। कभी आपने देखा नहीं होगा कोई चिड़िया गोडाउन बनाती है अपना, नहीं बनाती, लेकिन इंसान बनाता है। एकोमिलेशन करने का मतलब बड़ा शौक है इंसान, मतलब नीड से ज्यादा क्या करता है एकोमिलेशन करके रखते हैं, जितना नीड है उतना यूटिलाइज नहीं करते हैं। ओके ये बोल रहे हैं बियॉन्ड एंड दिस रिजल्ट इन ओवर, और इससे क्या होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयट करना है ना, गैर क्या बोलते हैं किसी का फायदा लेना, गैर फायदा उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना, गैर फायदा उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखते हैं यहाँ कुछ एनिमल के नाम दिए शायद से ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज विच टर्न इन टू कॉज द थ्रेट टू वेरियस ऑर्गेनिज्म। ऐसा करने से क्या होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को धोखा हो सकता है ऐसा बोल रहे हैं। यू कैन कोरिलेट विद द डर्ट ऑफ फीस वी ऑब्जर्व नाउ अ डेज। डोडो बर्ड, स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिगन आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये देखो ये दिख रहे हैं, ये कभी दिखने के लिए नहीं मिलेगा, अब हो गया खत्म। पैसेंजर पिजन तो बचपन में दिखता था मुझे, पता नहीं खत्म होगा, लेकिन है पिजन देखो उसको है दिखता है, लेकिन बहुत ये तो एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन इसकी तरह एक दिखने वाला स्पीसीज अभी भी दिखता है बहुत। ये कबूतर नहीं अलग है ठीक है, ये जंगलों में दिखता है। ये स्टेलर सी का हो ये खत्म हो गई, टोटो की तो कहानी आप जानते हो, ये भी खत्म हो गया। अभी आप सिर्फ फोटो देखना है, फोटो देखते रहो ठीक है, इंसान की वजह से सब कुछ हो रहा है। आगे चलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं क्या कर सकते हैं। अभी आपने गड़बड़ किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, सिर्फ फोटो देखते रहो ठीक है, सब कुछ चाहिए। व्हेन न्यू स्पीसीज गेट इंट्रोड्यूस इनटू एनी इकोसिस्टम, अगर मान लीजिए किसी इकोसिस्टम में नया स्पीसीज आ गया गलती से तो क्या होता है आप जानते हो। एनी इकोसिस्टम एक्सीडेंटली, अगर एक्सीडेंटली आ गया फिर इंटेंसली जानबूझ कर लाया, देर आर चांसेस दैट प्रूव्स हार्मफुल फॉर एग्जिस्टिंग। देखो बाहर से कोई अगर स्पीसीज आएगा तो क्या हो सकता है, वहां रहने वाले जो स्पीसीज है उसको धोखा हो सकता है, उस स्पीसीज की वजह से बोल रहे हैं। देखते कौन कौन सा चीज बोल रहे हैं, समटाइम्स इट कैन लीड टू एक्सटेंशन ऑफ लोकल, तो बोल रहा है कि देखो इकोसिस्टम भी खराब होने के चांसेस है, साथ साथ में कोई बाहर से स्पीसीज आए तो क्या हो सकता है उधर के लोकल स्पीसीज को भी धोखा हो सकता है ऐसा बोल रहा है। इन सच केसेस इट इज कॉल्ड एज इन्वेजन स्पीसीज, अब ऐसे केस में उसको बोलते हैं इन्वेजन स्पीसीज बोलते हैं, बाहर से हम मतलब इन्वेजन बोलते हैं। जैसे कैरेट ग्रास है ना, पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास के नाम से उसको जानते हैं, मैंने बोला था लैंटना एंड वाटर हाइसेंथ आइकॉर्निया जो कि बंगाल में उसने हंगामा मचा कर रखा है बोलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीडेटर फिश नाइल पर्च इन लेक ऑफ विक्टोरिया प्रोवाइड डेटोरेशन फॉर 200 लोकल सीजन चिचिल फिश। बाप रे देखो तो ये जो आपकी जो नाइल पर्च नाम का जो फिश थी, नाइल पर्च है ना, ये प्रीडेटर फिश है मतलब खाने वाली फिश है, तो विक्टोरिया लेक में छोड़ दिया उसको और क्या हो गया 200 लोकल स्पीसीज है ना चिचिल फिश के 200 लोकल फिश क्या हो गया, मतलब 200 स्पीसीज क्या हो गया खत्म हो गया ऐसा बोल रहे हैं। स्पीसीज बोल सकते हैं या फिर सब स्पीसीज बोल सकते हैं, स्पीसीज ही दिया स्पीसीज बोल सब स्पीसीज नहीं, तो ऐसा बोला जा रहा है। ये सब एनसीईआरटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रख सकते हो, लिख भी सकते हो। इन इंडिया इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरेरिस गैरिपिनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पज हैज प्रूव हार्मफुल टू एंडेमिक कैटफिश वराइटीज। देखो ये आपकी जो बाहर से कोई अफ्रीकन कैटफिश लाई थी, इट इज अ क्लैरेरिस गैरिपियंस है ना, एक्वाकल्चर के लिए लाई गई थी, लेकिन हुआ ऐसा कि
ये एंडेमिक एंडेमिक कैटफिश वैराइटीज जितने सारी थे, सॉरी ये हार्मफुल हो रहा है ऐसा बोल रहा है, ठीक है। सो वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ सच हार्मफुल इफेक्ट एलन्स इज दैट लैक ऑफ लोकल प्रेडेटर। तो ऐसा भी होता है कई बार बाहर से कोई लाया चीज, अब ये इतना बढ़ता है, मान लो फिश है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी गई उसकी तादाद बहुत बढ़ती है, बाकी फिश का भी खाना ये खाने लगता है। क्यों? इसको खाने वाला कोई है ही नहीं, ना ही इसको इन्फेक्शन करने वाला कोई व्यक्ति इस इकोसिस्टम के अंदर है, इसलिए इसका तादाद क्या होता है बहुत बढ़ता है, ऐसा बोलते हैं। को एक्सटिंक्शन उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मेनी टाइम्स ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर इन ऑब्लिगेटरी वे, ये तो हम जानते हैं, को एग्जिस्टेंस मतलब कई बार ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हेल्प करते हुए सहारा देते हुए जीते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। इन सच केसेस को एग्जिस्टेंस ऑफ वन वैरायटी लीड टू लॉस ऑफ, अच्छा देखो अगर एक दूसरे को सहारा देते हुए जी रहे, तो मान लेते कोई अगर जैसे एग्जाम्पल देता ना, कोई अंधा है और कोई एक लंगड़ा है ना, लेकिन क्या है अंधा चल सकता है लंगड़ा देख सकता है, दोनों एक दूसरे के सहारे जी रहे, अगर दोनों में से कोई अगर गायब हो गया तो एक का जीना मुश्किल हो जाएगा, या फिर लॉस भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। उस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ सहारा देके जी रहे, तो एक स्पीसीज अगर खत्म हो गया तो ये मर जाएगा, कि ये इसके ऊपर डिपेंड है, ऐसा बोल रहे हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग, इन सच अ केसेस द एक्सटिंक्शन ऑफ वन वैरायटी लीड्स टू लॉस ऑफ एसोसिएट वैरायटी, जो एसोसिएट वैरायटी उसका भी खात्मा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ऐसा बोल रहे हैं, फ्रॉम द इकोसिस्टम। एग्जाम्पल एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट फिश कॉजेस द एक्सटिंक्शन ऑफ अ यूनिक पैरासाइट, तो बोल रहे हैं कि तो होस्ट फिश, हाँ अच्छा ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा बोल रहे हैं होस्ट फिश मतलब अगर कोई ऐसा ये फिश है उसके ऊपर कोई अगर पैरासाइट आके जी रहा है ना, तो पैरासाइट के लिए फिश क्या बनती है, होस्ट बनती है, फिश खत्म तो पैरासाइट भी खत्म है, ऐसा बोल रहा है, ये चीज बोल रहा है। सो एग्जाम्पल द एक्सटेंशन ऑफ होस्ट फिश कॉजेस द एक्सटेंशन ऑफ यूनिक पैरासाइट, तो उस फिश के ऊपर फिश पैरासाइट के लिए होस्ट है, अगर होस्ट फिश आगे खत्म हो गई तो पैरासाइट भी क्या होगा, खत्म होगा, ऐसा बोल रहा है। को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर ऑल्सो विल हैव सच अ थ्रेट, भैया देखो अगर कोई प्लांट है उसका पॉलिनेशन करने के लिए इंसेक्ट ही चाहिए, इंसेक्ट के अलावा पॉलिनेशन होता ही नहीं, इससे मौत हो गया आपका, और यूका प्लांट है ना भैया, मौत खत्म तो यूका प्लांट खत्म है ना, यूका प्लांट खत्म तो मौत खत्म, क्यों, क्योंकि मौत अंडे डालने के लिए जगह नहीं मिलेगा मौत को, है ना, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। तो वो को इवोल्यूशन क्या, एक दूसरे को मतलब सहारा देते हुए जी रहे, तो ये को इवोल्यूशन इवॉल्व है ऐसा बोलते, ओके, पॉलिनेशन करने के लिए मौत जरूरी है, ठीक है। वी आर अवेयर ऑफ थ्रेट ऑफ डाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम अर्थ, तो दरवाजा बंद करता हूँ। So we are aware the threat of diversity and loss of species from Earth. हम जानते हैं भली बात क्या हो रहा है, फिर भी हम वही गलती करते हैं ना आपकी तरफ, जानने के बाद ही पढ़ाई नहीं करते, क्या करेंगे सर, मन बड़ा बदमाश है सर, है ना। When any species is totally eliminated from the Earth, अगर मान लीजिए कोई भी species अगर धरती से पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो क्या उससे threat हो सकता है, या फिर क्या उससे परिणाम उसके परिणाम होते। When any species is totally eliminated from the Earth, It's called as extinct. अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज अगर धरती से पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, समझा रहा है। तो डायनासोर को हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। When the number of member of species start dwelling is said to be endangered. अगर मान लीजिए dwindling मतलब अच्छा, अगर मान लीजिए अगर किसी स्पीसीज का नंबर बहुत कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN मेंटेन द रेड डाटा बुक एंड ऑल्सो नोन एज रेड लिस्ट। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना बोर्ड के लिए ये डाटा याद रखना, ये लिखते समय काम में आने वाला है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, लंबा जोड़ा नेम है लेकिन याद हो जाएगा, डर के मारे याद आता कुछ कुछ चीज, ठीक है याद रख पाओगे, ओके। सो दिस ये उनका बुक है, दैट इज रेड डाटा बुक बोलते हैं, और उस रेड डाटा बुक के अंदर रेड लिस्ट रहते हैं। रेड लिस्ट मतलब क्या, वेयर द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज रिकॉर्डेड, तो बोल वहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है कि रेड डाटा बुक के अंदर कौन जाने वाला है, कौन मतलब एक्सटिंक्ट कौन हो गया, एक्सटिंक्ट होने के पथ पर कौन है, ये सब उसके अंदर लिखा रहता है। डू यू नो, पढ़ लेते एक बार क्योंकि काम में आएगा। इन मेनी टाइम्स
many times we record about the leopard attack on human or about the elephant from the Karnataka destroying agriculture. हम जानते हैं कई बार लेपर्ड ने इंसान के ऊपर अटैक कर दिया या फिर जो हाथी है उसने क्या कर दिया एग्रीकल्चर लैंड को मतलब खत्म कर दिया मतलब या मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया बोल सकते हैं. ऑर्चिड्स इन सिद्धिदुर्ग रीजन ऑफ महाराष्ट्र ऑर्किड्स विद इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन मैन स्टार्टेड एनक्रोचिंग द फॉरेस्ट. एनक्रोचिंग मतलब काबू करना कब्जा करना ऐसे बोल सकते हैं. मैन स्टार्टेड एनक्रोचिंग द फॉरेस्ट लैंड एनिमल आइदर आउट ऑफ शीर एंड क्यूरियोसिटी है ना. तो ये क्या कर रहे हैं एनिमल आइदर आउट ऑफ शीर एंड क्यूरियोसिटी इन केस ऑफ यंग लेपर्ड और फॉर अ लैक ऑफ सफरिंग रिसोर्सेज वेंटर आउट फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस. बोल रहे कि देखो कई बार ये लेपर्ड वगैरह क्या होता है लेपर्ड मतलब शायद से लेपर्ड को मराठी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है. ओके सो लेपर्ड जो है बिप्टिया बिप्टिया शायद से भी होगा कंफ्यूज थोड़ा सा देखना पड़ेगा. ओके सो लेपर्ड क्या है लेपर्ड उस जगह से बाहर निकलता है और मैन के ऊपर क्या करता है अटैक करता है. इवन दो बकरी वगैरह इसके ऊपर भी अटैक करता है जो कि क्या बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर भी अटैक करता है. वेरियस मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू मिनिमाइज दिस टसल. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इन सब चीज़ों को ज़्यादा ना होने के लिए कुछ ये कर रहा है मतलब सोल्यूशन ढूंढ रहा है देखते क्या या फिर कुछ योजना उन्होंने आखी है देखते. गवर्नमेंट नॉट ओनली गिव्स मॉनेटरी कंपेंसेशन टू फार्मर्स अफेक्टेड बाय द एलिफेंट अटैक बट इवन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्ट्स द कम्युनिटी मीटिंग टू ट्रेन द लोकल टू फेस द अटैक. तो गवर्नमेंट ना ही उनको मतलब पैसा मतलब अगर किसी ने एलिफेंट ने अटैक किया तो कई बार गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मतलब मनी का साथ साथ में लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाके क्या करता है उनको समझाते हैं अटैक होने के बाद कैसे उसको संभालना है. ऑल्सो मेजर लाइक अपॉइंटिंग द एक्सपर्ट टू टेम द वाइल्ड एलिफेंट. तो कैसे भगाना है उसको उसके लिए कई बार एक्सपर्ट लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट एंड सेंसिटाइजिंग द पीपल टूवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिविटी. ऐसा बोल रहे हैं लंबा चौड़ा है बहुत सर देखते इधर भी क्या दिया तो किस तरीके से उसको भगाना है किस तरीके से और पब्लिक अवेयरनेस इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता लेकिन पढ़ लो फिर भी. द IUCN सिस्टम यूज टू सेट अ 5 क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया टू असेस द एक्सटिंक्शन रिस्क फॉर अ गिवन स्पीसीज. देखते क्या है दिस क्राइटेरिया आर द रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन. तो ये पहला क्राइटेरिया कि पॉपुलेशन का रेट डिक्लाइन हो रहा है क्या. द जोग्राफिक रेंज मतलब उस एरिया के अनुसार कितना उसका पॉपुलेशन है. वेदर द स्पीसीज ऑलरेडी पजेसेस स्मॉल पॉपुलेशन साइज या फिर स्पीसीज का पॉपुलेशन साइज बहुत कम है. वेदर द स्पीसीज इज वेरी स्मॉल और लाइव इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में लाइव करता है. एंड वेदर द रिजल्ट ऑफ द क्वान्टिटेटिव एनालिसिस इंडिकेट द हाई प्रॉबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड. तो मतलब ये उनके क्राइटेरिया है कि सच में स्पीसीज का एक्सटेंशन होने वाला है नहीं होने वाला है उसके लिए कुछ पाँच उन्होंने क्राइटेरिया रखे हैं तो ये बताया जा रहा है. इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता लेकिन मैंने इसे पढ़ लिया था कि थोड़ा आगे वाले चीज़ को कोरिलेट कर सके. अभी आगे वाला चीज़ पढ़ते आफ्टर गिवन स्पीसीज हैज बीन थरोली इवोल्यूटेड इट इज प्लेस्ड इनटू द वन ऑफ द फॉलोइंग सेवरल कैटेगरी. तो ये पांच कैटेगरी क्राइटेरिया है कि स्पीसीज का नंबर कम है क्या स्पीसीज किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में मिलता है क्या स्पीसीज ये सप्लाई क्राइटेरिया बताया उन्होंने तो उसके अनुसार उनके मतलब उन्होंने कैटेगराइजेशन किया. देखते हैं क्या क्या बोल रहे देखते हैं. सो पहला कैटेगरी अगर एक्सटेंट के अंदर कब रखेंगे अ डेजिग्नेशन टू अप्लाई टू द स्पीसीज इन विच द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड और नॉट रिकॉर्डेड. तो एक्सटेंट के कैटेगरी के अंदर कब लिखेंगे कि मान लीजिए स्पीसीज खत्म हो गए लास्ट स्पीसीज खत्म हो गया या फिर रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है और स्पीसीज है ही नहीं जैसे मालडोग. अब मालडोग तो महाराष्ट्र से खत्म हो गया मान लीजिए महाराष्ट्र से खत्म हो गया या फिर मान लीजिए इस तरीके से मान लीजिए व्हाट वी कैन से राजस्थान से खत्म हो गया है ना पूरे वर्ल्ड से खत्म हो गया लेकिन कहीं तो एक आधा कहीं तो है समवेयर वन इज प्रेजेंट कहीं तो एक आधा मिल रहा है लेकिन रिकॉर्ड नहीं उसका तो फिर भी उसको एक्सटेंट बोलते हैं. है या नहीं पता नहीं ना मतलब जब तक नहीं मिलेगा तब तक एक्सटेंट बोले मिलेगा तो नहीं बोलेंगे ना. एक्सटेंट इन द वाइल्ड अ कैटेगरी कंटेनिंग दो स्पीसीज हुज मेंबर्स सर्वाइव ओनली इन कैप्टिविटी. ऐसा बोल रहे दूसरा एक्सटेंट इन द वाइल्ड
दूसरा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसका इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैटेगरी ऐसे कैटेगरी कंटेन दो स्पीसीज दैट पजेसेस एंड एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन विथ वेरी फ्यू सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ 50। बोल रहे कि अगर 85 उसका स्पीसीज बचा है, 85 मान लीजिए मालडोग 85 बचा है, तो उसको क्रिटिकली इंडेंजर में डाल सकते हैं। मालडोग को डाला ना, बहुत कम है, कहीं तो मिलता है, रेयरली मिलता है, ऐसा बोल रहा है। मैंने सुना था मेरे बचपन में, मुझे याद आ रहा अभी, मैंने एक बुक पढ़ी थी उसके अंदर बताया था कि महाराष्ट्र में मिलते थे कहीं तो, मतलब बहुत कम मिलते थे, लेकिन अभी बहुत कम मिल रहे हैं, मतलब कहीं 2-4 मिलते थे या फिर अब सारा खत्म हो गया, ऐसा बोल रहे हैं। डेंजर है तो अगर ऐसे केस में उसको क्रिटिकली इंडेंजर में डाल दे, ऐसा बोल रहे हैं। अब एंडेंजर्ड मतलब क्या बोलते हैं, बहुत 50 से कम बच गए तो उसको क्रिटिकली इंडेंजर। एंडेंजर मतलब क्या, डेजिग्नेशन, ये डेजिग्नेशन मतलब उपाधि बोल सकते हैं, टू द स्पीसीज दैट पजेसेस वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन 50% or more than 50% ओवर अ प्रीवियस ऑफ 10 years और 3 generations। बोल रहे कि है ना 50 से 70% अगर ख़त्म हो रहा है ना 10 साल के इतिहास में, तो बोल सकते भाई ये भी क्रिटिकल डेंजर के केस में जा सकता है, तो उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड बोलते हैं, है ना। वल्नरेबल इसका मतलब कैटेगरी कंटेनिंग दो स्पीसीज दैट पजेसेस वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन 30% or more than 50% ओवर अ प्रीवियस टेन। तो वल्नरेबल मतलब 70% तो नहीं है लेकिन 50 के, है ना, 50 के नीचे या फिर 45% 48% मतलब एक्सटिंक्शन रेट है उसका, तो ये भी बहुत डेंजर है, ऐसा बोल सकते हैं। नियर थ्रेटेंड इसका मतलब क्या है, ये किसको बोलते हैं थ्रेटेंड, अप्लाई टू स्पीसीज दैट आर ऑल्सो दे आर क्लोज टू बिकम थ्रेटेंड, मतलब ये थ्रेटेंड के कैटेगरी में आते हैं, मतलब बहुत ही कम हो गए तो थ्रेटेंड बोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। मतलब कोई अगर पंछी है लेकिन उसका रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी चिड़िया है स्पैरो को हम थ्रेटेंड में डाल सकते हैं, लेकिन नंबर उसका ये नहीं है, मतलब ज़्यादा तो नहीं है पर फिर भी कमी है, लेकिन फिर भी थ्रेटेंड में डाल सकते हैं। लास्ट कंसर्न लिस्ट कंसर्न कैटेगरी कंटेनिंग अ स्पीसीज दैट आर परवेजिव एंड अबंडेंट एंड केयरफुल असेसमेंट। अब बहुत ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बकरी वगैरह तो, बकरी तो वाइल्ड स्पीसीज नहीं है, जैसे कि जंगल के अंदर हिरन, डियर अभी बहुत सारा है, काफ़ी है। डाटा सफिशियंट मतलब ये क्या है, डिफिशियंट कंडीशन अप्लाइड टू स्पीसीज इन विच द अमाउंट ऑफ अवेलेबल डाटा रिलेटेड टू इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज लैकिंग इन सम वे। तो एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे क्या है, तो नया दिख रहा है। नॉट इवॉल्व्ड इवोल्यूटेड A category used to include any nearly 1.9 million species described by the scientists but not accepted by the IUCN. बोल रहा है कि category used to include any nearly 1.9 million species described by the scientists but not accepted by the IUCN. अच्छा, लेकिन IUCN ने उसको अभी तक accept नहीं किया, तो उसको बोलते हैं not evaluated. अलग अलग categories हैं, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। Okay, so तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड 5.5 है क्या, 5.6 नहीं है शायद से, मेरे ख्याल से 5.6 से नहीं है ना, आई थिंक 5.5 तक है, राइट, टिल 5.5 तक है शायद से। अरे है या नहीं बोलो, बोलते नहीं आप लोग, ओके तो आपको मैं प्रेजेंट ही लेता हूँ, और ये क्या है अभी एक कवर नहीं हो पाएगा, 5-10 मिनट बचे, प्रेजेंट लेके आपको वाइंड करता हूँ, नहीं क्या हम प्रोग्राम लेंगे तो बेटर है। सो विल स्टॉप हियर, हम यहीं पे रुक जाते हैं और आगे वाला पोर्शन हम कर लेंगे।